हाँ, और किसकी चेयर है? ये रही वो कुर्सी बाहर, और वो रही वो स्टडी टेबल, एंड ही इज गोइंग समवेयर, क्योंकि आज हमें लग नहीं रहा हम झेल पाएंगे. एग्जैक्टली. हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड जहाँ हम करते हैं बहुत सारा ट्रैवल, नई नई चीज़ों को डिस्कवर और नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर. सो बेसिकली आज जिस जगह पर मैं हूँ वो है दिल्ली का एक हॉन्टेड एरिया, यानी कि मलचा महल. हाँ, मलचा महल, क्योंकि ये अगर आप गूगल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको लिस्ट में ये वन ऑफ द टॉप पे दिखेगा. और मलचा महल जिस जगह पर है ना सिचुएटेड, ये एक जंगल के बीच में, मंकी फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में. सो यहाँ आने में भी बड़ा डर लगता है. सो आज मैं यहाँ आया हूँ, बट अकेला नहीं, आई हैव माई फ्रेंड्स. हे, वेलकम टू हिम. एंड आज हम जा रहे हैं सारे तीनों मिलके मलचा महल. एंड ट्रस्ट मी, जब हमने इस मंकी फॉरेस्ट में एंट्री की तब से हमारी लगनी शुरू हो गई. सो व्हाट से, चले अंदर. बिल्कुल, लेट्स गो. फाइनली आ गए हैं मलचा महल की. स्टार्टिंग यहीं से होती है. सो जब भी आओगे थोड़ा देख संभाल के, एंड प्लीज़ ट्राई कि ग्रुप में ही आओ. और इस मलचा महल की स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा. यहाँ पर वैसे गार्ड हुआ करता था, बट अभी तक तो दिखा नहीं है. नहीं जानी थी ना भाई. तो इस वक्त बोर्ड लगा हुआ है नो एंट्री का, बट हम रिस्क ले रहे हैं अंदर जाने के लिए. ये है वो मलचा महल गाइस. सो गाइस, फाइनली मलचा महल के बाहर खड़े हैं. ट्रस्ट मी, इससे पहले बहुत जगह गया हूँ बट आज तक ऐसी फीलिंग नहीं आई. ना इस मलचा महल की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, मुझे ना यहाँ पे कुछ सही से नहीं लग रहा यार. क्या हुआ? तो इतना डेंजर रास्ता था और ऊपर से भी महल देख के तो मुझे यार, देख तुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ फील ही अलग अलग सा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अलग थे, आवाज अलग, कोई नहीं आस पास, अपन रास्ता भी नहीं पता चलेगा, अपन थोड़ा लेट हुए ना. ये चेयर देख के तुझे क्या लगता है जी? वो चेयर भी पड़ी है, गार्ड घुड़ाई नहीं यहाँ पे. यहाँ पे गार्ड की चेयर नहीं है? हाँ, और किसकी चेयर है? और किसकी चेयर है? रानी की. तो चलो गाइस, थोड़ा अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. ओह माय गॉड, सो दिस इज मलचा महल. एंड ये जो आपको चेयर दिख रही है ना, इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा. चलो अंदर चलते हैं. सो ये पुराने टाइम के कालीन और बेसिकली ये मलचा महल है. सो इतनी शाम को आने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ पे. ये है मलचा महल, ये पुराने तख्त. अभिषेक, क्या क्या लग रहा है यार? यार देख, जैसे जैसे आगे जाए ना, अजीब सी गर्मी हो रही है देख, और बिल्कुल अलग सा है टेम्परेचर है देख. सुनो यार, यहाँ से निकलते हैं यार. क्या हो गया यार?
थोड़ी देर तो रुक। यहाँ पे बहुत डर लग रहा है यार, अजीब सी, मतलब कुछ घबराहट सी हो रही है। अबे बट तू तो डरता नहीं था। अबे तो यार यहाँ आवाजें आ रही है ना अजीब अजीब सी। मैं बोलता हूँ एक बार वहाँ तक हो करते हैं, लास्ट राउंड रह गया। एग्जैक्टली, वी शुड गो। एक सेकंड, ये मलचा महल और ये इसका एरिया पूरा, ये दरवाज़ा उखड़ चुका है, सब कुछ उखड़ चुका है, पुराना सामान, ये बैग्स, आई डोंट नो मतलब क्या है यहाँ। आई थिंक वी शुड गो देयर। गुड से आ जाओ। ये मलचा महल है, आप लोग अकेले यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि आप यहाँ जहाँ भी देखोगे सिर्फ जंगल दिखेगा आपको, चलो तो इंसान तो है ही नहीं। हम तीन हैं तो भी हमें एक दूसरे को मतलब कन्विंस करना पड़ रहा है आगे जाने के लिए। इसमें कोई वो नहीं है कि डेयरिंग के हम बोले हम आगे, बट ये सच में हॉन्टेड है। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो दिल्ली में तो यहाँ जरूर आओ। अब तक हमने कितने ही हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है, बट दिस इज एक्चुअली जिसको लोगों को आके फील करना चाहिए। मलचा महल के ऊपर का एरिया है, वक्त हम मलचा महल के ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। और अगर आप देखोगे इसके ऊपर भी झाड़ियाँ वाड़ियाँ उग गई हैं, पेड़ वेड़ उग गए इस महल के ऊपर भी, मतलब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ कोई भी नहीं आता। और दूर दूर तक, दूर दूर तक सिर्फ आपको जंगल दिखेगा, पूरा मंकी फॉरेस्ट है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। लिटरली आप दिल्ली से बहुत दूर हैं, एंड दिस इज़ अ प्लेस, दिस इज़ समथिंग। अभिषेक, इससे पहले बहुत सारी जगह पर हम आए यार, ट्रस्ट मी, मैं और ये बहुत जगह गए, बट देर समथिंग एल्स। सबसे बड़ा टास्क तो इसका रास्ता ढूंढना है, अगर गलती से रास्ता ढूंढ भी लिया तो उससे बड़ा टास्क है इसके अंदर आना। और सच में ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, मतलब अजीब सा फील होने लगता है। एटलीस्ट वी शुड प्रेफर यू दैट, अकेले तो बिल्कुल मत आइएगा, बिल्कुल, इट्स रिस्की। अगर आप घूमना चाह रहे हैं, ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे साथ व्लॉग में, हाउ यू फील अबाउट दिस प्लेस, कैसा लग रहा है प्लेस? हॉरर फील हो रहा है इस टाइम तो, है ना। ट्रस्ट मी, मैं इन लोगों में शायद सबसे ज्यादा हूँ जो डरता हूँ, बट आज ये भी अजीब फील कर रहा है यहाँ पर आकर। सो मैं तो ये नहीं के सारे था कि ये मेरे जाके लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना डेंजर सा बना हुआ। वैसे अभी तक कुछ हॉन्टेड हुआ नहीं है, अभी तक सिर्फ इंसेक्ट्स और स्नेक्स और exactly. इन सब की आवाज आ रही है, बट हम होप कर रहे हैं कि हॉन्टेड ना भी हो, क्योंकि आज हमें लग नहीं रहा हम झेल पाएंगे। एग्जैक्टली exactly. मैं डॉक्टर को बता भी नहीं सकूंगा क्या कहता है। ये एक और रास्ता है ऊपर जाने का। अच्छा भाई यार सुन तो ले, तू यहाँ ले तो आया, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ बता तो सही। तो गाइस बेसिकली इस जगह की स्टोरी ये है कि इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने 14th सेंचुरी में, 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो जो यहाँ की लास्ट रानी थी उससे महल छीन लिया गया। जो महारानी थी उनकी हो गई मौत यहाँ पे, उनके बेटे बेटे और बेटियों ने उनकी कब्र को दफनाया, उनकी बॉडी को दफनाया नहीं, उन्होंने उनको स्टडी टेबल पर रखा, जो कि ये रही वो कुर्सी बाहर और वो रही वो स्टडी टेबल जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। स्टडी टेबल पे रखा? एग्जैक्टली स्टडी टेबल और इस कुर्सी पे रख दिया, दैट्स व्हाई मैं इस बोल रहा था कि इसकी कुर्सी की स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा। ओके okay. उन्होंने 10 दिन तक उसको अपने साथ रखा, उन्हीं के साथ वो राजकुमारी सोती थी, okay. सोते थे खाते थे। कुछ साल बाद रानी की मौत हो गई और राजा ने गोली मार दी उन सब कुत्ते को, अकेला जो राजकुमार बचा था। कुछ सालों बाद जब वो चावल वावल लेने जाते थे बाहर, लोग उन्होंने देखना भी बंद कर दिया, वो लोग यहाँ क्या करते थे किसी को कुछ नहीं पता। अब से जस्ट एक साल पहले उस राजकुमार की यहाँ बॉडी फिर से मिली है, एक साल पहले। एग्जैक्टली तो मतलब कि जो सामान पड़ा है वो सब उसी का, वो सब उसी का यूज्ड है, ये सब उसी के यूज्ड है। लोगों नहीं पता था, 5-6 साल से उन्होंने उनको नहीं देखा था, एक साल पहले उसकी बॉडी मिली है और जैसे पता चला है कि वो अभी
अभी अभी कुछ टाइम, और इसलिए इस जगह को हॉन्टेड माना जाता है क्योंकि जो राजकुमार है या जो राज महारानी है उसकी आत्मा यहाँ हॉन्ट करती है लोगों को क्योंकि उनके साथ जैसे लोगों ने बिहेवियर किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत आराम से वो वाली वाइब फील की जा सकती है कि कुछ अलग है, एग्जैक्टली जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही वो टेबल है, तू बता रहा था। एग्जैक्टली यही वो टेबल है जहाँ पर यार ये भी बहुत हॉन्टेड सी लग रही है। नहीं पूरा एरिया ये सब बंद हो चुका है। गाइस ये है मलचा महल एंड ट्रस्ट मी आप इजीली यहाँ पर वो वाइब फील कर लेंगे। आई डोंट नो के हिम्मत लगाई है यार यहाँ आने में एंड यू शुड कम अगर आपको भी एक्सप्लोर करने की आदत है और देखना पसंद है कि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद है। और इफ़ यू रियली वॉन्ट अ रियल हॉन्ट एंड ही इज़ गोइंग समवेयर, ध्यान से जहाँ भी जाना है ध्यान से। और इसके आसपास का जो जंगल है कितना हॉन्टेड है, मतलब बीच में जंगल के बीच में बनाया गया है, इससे खतरनाक जगह और क्या हो सकती है ना। सीरियसली यार ये सचमुच काफी ज्यादा हॉन्टेड है अंदर के। और यहाँ बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है, बहुत स्मेल आ रही है। तो गाइज़ ये था मलचा महल का सफ़र, और जैसे कि मैंने कहा था कि मलचा महल भी लेकर आऊँगा क्योंकि मेरा पर्सनल, मैं चाहता था पर्सनली कि मैं इस जगह को अगर देखूँ। 3 साल से मैं दिल्ली हूँ और मैं कभी इस जगह पर नहीं आया था एंड आज फाइनली आके लग गया जब मैंने गूगल के ब्लॉग्स पढ़े कि हाँ अगर दिल्ली में रियल हॉन्ट को एक्सपीरियंस करना है मस्ट कम टू मलचा महल, यहाँ ज़रूर आना, इट्स अ ट्रेजर, इट्स एन एडवेंचर। सो इसी के साथ सो लास्ट वर्ड सबका मलचा महल को लेकर, भाई सच में फट गई, खौफनाक, एडवेंचरस और डेंजर एंड दिस इज रियली हॉन्ट। सो इसी के साथ साइन आउट फ्रॉम आवर साइड, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आने वाली वीडियोस को देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी ऐसी जगहों को तो एक्सप्लोर करते रहें दिल्ली की भी और दिल्ली के बाहर की भी। तो अगर आगे भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और सारे जितने भी सोशल साइट्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक के हैंडल्स हैं हमें फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो bye.